चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.2 टेन पावर माइनस 27 किलोग्राम चार्ज दिया हुआ है, इज सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मान लो यहां से चार्ज पार्टिकल चलना शुरू किया, यहां खत्म, यहां से चलना शुरू किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो ये टर्मिनल मान लो पॉजिटिव है, ये टर्मिनल मान लो निगेटिव है। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो फोर्स भी इस पे इधर ही लगेगा, F is equal to Q into E, और इतना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है, S डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है, करेक्ट है? और ये S की वैल्यू दी हुई है, S की वैल्यू दी हुई है, चार्ज की वैल्यू भी दी हुई है, करेक्ट है? तो वेलोसिटी, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से जब यहाँ पहुंचेगा, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन मास, क्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, मास की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू भी ऑलरेडी दी हुई है, वैल्यू ये है, ठीक है? तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, करेक्ट है? एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है, ध्यान रखना, रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, करेक्ट है? चलो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2a की वैल्यू q इनटू e अपॉन m इनटू s, सही लिख रहे हैं? अब क्या करें, अब यहां पर वैल्यू करें, 2 इनटू q की वैल्यू 3.2 10 टू पावर माइनस 11 इनटू इलेक्ट्रिक अपॉन मास, मास की वैल्यू 6.4 इनटू 10 टू पावर माइनस 27, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर 5, करेक्ट है? और उसके बाद डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ये होगा मीटर में, 2 इंटू 10 टू पावर, सारे यूनिट्स ठीक लिखे हैं ना हमने, यूनिट को ठीक लिखा है, तो ये देखो 3.2 वन जा 3.12, ये टू से टू कटेगा, अब देखो कुछ और कट रहा है, ये तो हो गया कंप्लीट, ये 1.6 ऊपर बचा और 2 बचा, यानी 3.2 आएगा ऊपर, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 27, ये हो गया, नीचे कुछ और नहीं बचा ना। चलो अब इसको जरा सॉल्व कर ले, इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा माइनस 16, 10 टू पावर 27 माइनस 16 आएगा कितना 3.2 इंटू 10 टू पावर 11, करेक्ट है? इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 इंटू 10 टू पावर 10, लिख सकते हैं ना 32 इंटू 10 पावर 10, और 32 को क्या स्क्वायर रूट लेंगे, चलो ओपन करते हैं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ओपन करके इसको सॉल्व, 3.2 का स्क्वायर रूट कितना 32 का, 32 का स्क्वायर रूट होना चाहिए 5.65 इसके काम करते हैं हम, 32 को क्या लिख सकते हैं 8 4 16 16 into 4 16 into 2 4 root 2 लिख दें into 10 to power 5, सही है ना, 4 root 2 10 to power 5 कोई ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन लग रहा है, डी वाला 4 root 2 10 to power 5, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।